बॉलीवुड के साजिद वाजिद की एक हिट म्यूजिक जोड़ी आज बिखर चुकी है। वाजिद ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। इतनी कम उम्र में उनके दुनिया छोड़ जाने की वजह से सभी शोक में हैं। बॉलीवुड के लिए खबर काफी शॉकिंग है, क्योंकि इससे पहले उनके बीमार होने की किसी तरह की खबर नहीं आई थी और अचानक निधन की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस वक्त फैंस उनके निधन की वजह जानना चाह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, वैसे तो वाजिद के निधन की वजह किडनी की तकलीफ बताई जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किडनी के इलाज के दौरान जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। बताया गया है कि वो पिछले एक हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि उनकी तबीयत 31 मई की दोपहर अचानक खराब हो गई। कहा गया कि उन्हें किडनी की तकलीफ के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। हालांकि यहाँ भी बता दें कि किडनी के इलाज के लिए वो पहले भी कई बार अस्पताल में एडमिट हो चुके थे। रविवार दोपहर जब वाजिद खान की हालत ज्यादा खराब हुई तब उन्हें वेंटिलेटर पर होने की खबर आई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वाजिद पिछले कई सालों से किडनी के अलावा हार्ट की समस्या से भी जूझ रहे थे। इस वक्त वाजिद के निधन से पूरा बॉलीवुड हैरान और शोक में है। वाजिद खान ने सलमान खान की फिल्म दबंग, वांटेड, वीर, नो प्रॉब्लम, गॉड टू सी ग्रेट हो, पार्टनर सहित कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं। साजिद वाजिद की जोड़ी ने एक था टाइगर, दबंग, दबंग 2, दबंग 3, पार्टनर, सन ऑफ सरदार, राउडी राठौर, हाउसफुल 2 जैसे तमाम बेहतरीन फिल्मों को संगीत से सजाया है। साजिद वाजिद की जोड़ी को सलमान खान ने अपनी फिल्म में खूब मौके दिए थे और अब वो हमारे बीच नहीं है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।